हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक देखेंगे, रीजनिंग का, ठीक है, जो अधिकतर एग्जामों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं, टॉपिक का नाम है हमारा आज का घड़ी। घड़ी में हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा 7:16 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। सेम क्वेश्चन है, 8:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। कुछ भी समय दे सकता है, कोई सा भी समय दे सकता है, तो उस समय को हमें यह बताना पड़ेगा कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब उस कोण को कैसे करेंगे, कोण निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन वो फॉर्मूले ऐसे हैं जिस फॉर्मूले को हम भूल भी जाते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे इसे बिना फॉर्मूले के, और बिना फॉर्मूले कैसे करेंगे उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। देखते हैं भाई, ये हमने घड़ी बनाई है और ये जो पूरा सर्किल होता है, ये पूरा सर्किल होता है हमारा 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। पूरा सर्किल हमारा 360 डिग्री का होता है। वैसे ही अगर हम कहेंगे कि भाई ये जो है, ये गैप है, ये 1-1 घंटे में गैप है, ये गैप कितना है हमारा, 1-1 घंटे का गैप है। ये सारे के सारे 1-1 घंटे के गैप है, और अगर हम इसे घंटे में देखेंगे तो 1 घंटा, और मिनट में देखेंगे तो यही गैप हमारा 5 मिनट कहलाएगा, और सेकंड में देखेंगे तो यही गैप हमारा 5 सेकंड कहलाएगा, ठीक है। अभी घंटे में 1 घंटा, मिनट में 5 मिनट, और सेकंड में 5 सेकंड, लेकिन डिग्री में ये अगर हम देखें तो ये हमारा 30 डिग्री, ये भी हमारा 30 डिग्री, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, सारे के सारे क्या होते हैं हमारे, 30-30 डिग्री के होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ये पूरा सर्किल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब अगर हम यहां पर कहें कि भाई घंटे वाली सुई यहां से यहां आ जाए, घंटे वाली सुई यहां से यहां आ जाए, तो कितना घंटा हुआ, केवल 1 घंटा, और 1 घंटे में उसने कितना डिग्री बना दिया, इस 1 घंटे में उसने बना दिया 30-30 डिग्री। अगर मिनट के लिए किसान है हम, तो मिनट वाली सुई यहां से यहां आ गई तो कितना मिनट हो गए, 5 मिनट, और 5 मिनट में कितना डिग्री बनाया, 30 डिग्री। तो वैसे ही हमने यहां पर कुछ पॉइंट बनाए हैं कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री, 30 डिग्री, और मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना डिग्री, मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री। और जब 5 मिनट में 30 डिग्री है तो 1 मिनट में कितना हो गया, 6 डिग्री, ठीक है। बस हमें इसी बेसिक को यहां पर लेके चलना है। अब हमें क्या करना है भाई, वो कह रहा है 7:16 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 7:16 का मतलब ये हुआ कि मिनट वाली सुई हमारी यहां होगी और जो घंटे वाली सुई होगी वो हमारी यहां होगी, ये होगी हमारी घंटे वाली, 7 से थोड़ा सा आगे को। अब यहां पर हम अंदाजा तो नहीं लगा पाएंगे कि हो सकता है, देखो 30 डिग्री तो ये पूरा है नहीं, क्योंकि ये पूरा अगर यहां पर होता तभी 30 होता, हम कहते हैं भाई 30 डिग्री ये, 30 ये, 30 ये, लेकिन ये भी तो आगे को है और ये भी थोड़ा सा आगे को है, तो ऐसे तो हम अंदाजा लगा नहीं पाएंगे। तो जब भी हमें क्वेश्चन करना है तो हमें कोई घड़ी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्वेश्चन हमारा 7:16 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। अभी मैंने बताया घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना बनाती है, 30। अब ये 7 घंटे, भाई 7:00 का मतलब क्या हुआ, ये तो 7 घंटे हो गए, ये मिनट हो गए, तो जब ये 1 घंटे में 30 बनाया तो इसने 7 घंटे में कितना बनाया होगा भाई, 1 घंटे में 30, दूसरे घंटे में 60 हो गया होगा, फिर 90 हुआ होगा, तो उस हिसाब से 7 * 21 210, तो ये तो 210 डिग्री हो गया। अब आती है हमारा मिनट, अब मिनट में हमें थोड़ा सा क्या चेंज करना है कि मिनट में हमें गुणा करना है, जैसे मैंने बताया 1 मिनट में 6 तो होता है, लेकिन यहां पर गुणा हम 6 से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसका भी हमारा थोड़ा सा रीजन है भाई, हमें यहां पर 6 से गुणा नहीं करनी है, क्योंकि क्या हुआ जब ये थोड़ी थोड़ी आगे को बढ़ी है तो हमने ये तो हमने निकाला 7 * 30 210, लेकिन ये 210 तो भैया यहां तक का था, केवल ये अगर ऐसा होता, अगर ये पूरा 7 पर होता तो ये भी तो थोड़ी सी आगे को बढ़ गई। अब ये जो आगे को बढ़ी है तो वो भी ऐड करना पड़ेगा, या तो इधर से ऐड कर दो या इधर से घटा कर जाओ, तो
तो यहां पर हमें क्या करना होता है कि हम यहां पर आगे का तो नहीं निकालते लेकिन पीछे से यहां पर हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब ये कुछ मिनट आगे बढ़ी है तो उस मिनट में ये भी आगे बढ़ी है, और जब ये आगे बढ़ी है तो उसने उस मिनट में भी कुछ कोण बनाया होगा, है ना। तो घंटे वाली जो सुई होती है वो एक घंटे में तो 30 डिग्री का बनाती है, लेकिन यहां पर ये एक मिनट में आधा डिग्री बनाती है मात्र आधा डिग्री। तो वो आधा डिग्री हमें यहां पर कम करना पड़ेगा, हमें यहां पर 6 की जगह हम 5.5 से गुणा करेंगे, कितने से, 5.5 से, और 5.5 हम लिख सकते हैं 11/2, बस इसे कैलकुलेट कर दो, बस तुम्हें इतना सा ध्यान रखना है घंटे को हमेशा 30 से गुणा करना है, मिनट को हमेशा 11/2 से गुणा करना है, इसे 2 से करेंगे तो देखो 2 से ये 8 बार कट गया, अगर बाई चांस नहीं कटता तो पहले गुणा कर लेते फिर काट लेते, 11/8 कितना हो गया 88, और इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो बताओ कितना बचेगा, माइनस कर लेते हैं, ये 10 हुआ, 10 में से हमारा कितना गया भाई 200 में से, पहले हम इसे घटा लेते हैं, देखो 10 में से 2 गया, सॉरी 8 गया, 2 बचा, यहां पर क्या बचा 0, यहां पर हमारा 1 इधर को आ जाएगा, 1 इधर को आ गया, कितना हो गया हमारा 10 में से 8 गया 2, यहां पर कितना बचा 1, तो इन दोनों को माइनस करके हमारा कितना आ गया 122 डिग्री, बस यही हमारा आंसर हो गया। तो हमें क्या करना है, घंटे को 30 से मल्टीप्लाई करना है, मिनट को हमेशा 11/2 से, बस इतना ध्यान रखना है कि मिनट को 11/2 से, 11/2 हमारा कितना होता है 5.5 होता है, ठीक है, हमें ये नहीं जाना कि घंटे वाली सुई 30 डिग्री बना रही है क्या, फिलहाल मैंने समझा दिया है कि कैसे कैसे बनाता है, मिनट वाली भी बता दिया है मैंने कैसे कैसे कितना कितना डिग्री बना रहा है, लेकिन हमें उस चीज़ को ना देख के, वो केवल एक बेसिक था जो मुझे समझाना था, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि घंटे को 30 से और मिनट को 11/2 से दोनों को माइनस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 से 8 या 24 240, 11/2 देखो ऐसा कर देते हैं 20 × 11/2, 2 से काटेंगे 10 बार 11 × 110, और दोनों को माइनस कर दो, और जब दोनों को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 130, यही हमारा आंसर, बस इतना सा करना है। लेकिन एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये जो कोण आएगा हमारा ये कभी भी 180 से ज्यादा का नहीं आना चाहिए, ये वाले कोण जो माइनस करके आएंगे वो हमारे कभी भी 180 से ज्यादा नहीं आने चाहिए, ठीक है। अगर 180 से ज्यादा आता है तब तुम्हें क्या करना है, सपोज यहां पर इन दोनों को माइनस करके हमारा 190 आ जाता, अगर 190 आता तब हम क्या करते हैं, इसे 360 जो टोटल सर्किल है उसमें से हम माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस करेंगे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इन दोनों का अंतर 180 से ज्यादा का ना आए, अगर आता है तो उसे क्या करेंगे 360 में से माइनस। कभी कभी क्या होता है कि भाई अभी तो फिलहाल ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा भी होता है कि ये वाला बड़ा हो ये छोटा हो, तो हम इसमें से इसे घटा देंगे, चाहे इसमें से इसे घटाओ या इसमें से इसे घटाओ, फिलहाल दोनों को घटाना है और 180 या 180 से कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब मैं 2-3 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो मैंने ये 3 क्वेश्चन और लिखे हैं, अब इन 3 क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे करना है। कंडीशन हमारी वही की वही, घंटे को क्या करना है हमें 30 से गुणा, तो 30 × 30, और मिनट को किससे करना है 11/2 से, बस इतना ध्यान रखना 11/2 से, और कुछ ध्यान नहीं रखना, ठीक है। 2 से कटेगा कितनी बार 10 बार, 11 रहें कितना हो जाएगा 110, अब क्या तुम 30 में से 110 घटा सकते हो, तो कोई बात नहीं, नहीं घटा सकते तो इसमें से इसे घटा लो भाई, 110 में से 30 घटा लो, तुम्हें तो माइनस करना है, चाहे इसमें से इसे करो या इसमें से इसे करो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि माइनस में आ रहा ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस के आने का। अब अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो देखो दोनों को माइनस करो कितना आएगा, इसमें से इसे माइनस करा कितना आया 80, और यही हमारा आंसर,
क्योंकि ये हमारा 180 से कम ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला उसने बोला 3 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब 3 बजे की बात कर रहा है, 3 बजे का मतलब केवल घंटे दिए, मिनट तो दिए ही ना है। अगर मिनट ना दिए तो कोई बात नहीं, हम तो घंटे को 30 से गुणा कर देंगे, बस बात खत्म। 30 दिया कितना हो गया 90, बस ये हमारा आंसर हो गया, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। अगला देखते हैं 11 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 11 बजे, यहाँ भी कोई मिनट नहीं दिए हैं, केवल घंटे दिए हैं, गुणा 30, ये हो जाएगा 11 तिया 33, 330। लेकिन मैंने क्या बताया था, कोण 180 से ज्यादा का नहीं आना चाहिए। ये कितना आ गया 330, 180 से ज्यादा का है, तो क्या करेंगे इसे 360 में से माइनस कर देंगे। तब इसे 360 में से अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा, केवल 30 डिग्री। और वैसे भी अगर हम देखें तो 11 बजे का मतलब ये होता है इस तरीके से, तो देखो ये 30 डिग्री का ही तो क्या बताया था मैंने। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन करने हैं, घंटे को 30 से गुणा और मिनट को 11/2 से गुणा। अच्छा, अब बात ये भी आती है भाई, यहाँ तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन लिए सब पूरे पूरे कट गए, क्या पता ये होता कि भाई बताओ, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, देखो एक और देख लेते हैं कि भाई अगर वो सपोज कह दे हमसे 7:15 पे बताओ, तब हमें क्या करना, हमें वही करना है 30 से गुणा 11/2 से गुणा। अब 2 से तो ये कट नहीं रहा है, तो पहले एक काम करो, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 11 15 15 कम 15 बचा 1, 15 कम 15 15 और 1 16, 2 से भाग कर दो, और जब 2 से भाग करोगे 2 8 16, 2 2 4 और 2 5 10 कितना आ गया 85। अब इन दोनों को माइनस कर दो, बस क्या होना चाहिए 180 से बड़ा नहीं आना चाहिए माइनस करके। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दो भैया, 210 में से 82.5 माइनस करो, तो जब 210 में से 82.5 माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पर तो ऊपर तो पॉइंट है नहीं, जीरो बढ़ा दो, इधर से हासिल लेंगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर लगा पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर हमारा कितना बचा, यहाँ 9 में से 2 गया कितना बचा 7, यहाँ तो हमारा 1 इधर को जा चुका है, ये कितना हो जाएगा 0, इधर को आएगा तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना बचा तो कितना हो गया 127.5। तो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई अगर यहाँ पर पूरा पूरा ना कटे ना कटेगा तो कोई बात नहीं, गुणा कर लेंगे पहले फिर 2 से भाग कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट तो हमारा था घड़ी में ही कोण निकालने का, अब इसमें कुछ और भी पॉइंट पूछता है, जैसे कि संपाति पूछ लेता है, संपाति पूछता है, संपाति क्या होता है, अब हम उसे देखते हैं। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है हमारा संपाति। संपाति का ही दूसरा नाम होता है हमारा 0 डिग्री, और इसी का तीसरा नाम होता है आपस में मिलना। तो संपाति 0 डिग्री आपस में मिलना है, ये सभी नाम एक ही उसके हैं। ठीक है, संपाति कहते हैं हम जैसे 0 डिग्री का मतलब जब दोनों सुइयां घंटे और मिनट की एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो ये होता हमारा संपाति। और जब देखो कोण कब बनता है, कोण तब बनता है जब दोनों सुइयों में गैप होगा, और जब गैप नहीं होगा तो कोण नहीं बनेगा, इसका मतलब 0 डिग्री, क्योंकि तो इनमें कोई गैप है नहीं, और जब गैप नहीं है तो ये 0 डिग्री बन गया हमारा। ठीक है, अब इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछा जाता है, वो केवल ये 2 क्वेश्चन है हमारे, और बाकी इसका एक तीसरा क्वेश्चन और आता है, इसके बाद फिर उसे बताऊंगा। अब इन 2 क्वेश्चनों में देखते हैं, वो कह रहा है 12 घंटों में कितनी बार। अच्छा, ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है हमारी हर घंटे में एक बार संपाति बनता है, मतलब एक बार देखो यहाँ बन गया, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ गए, एक बार यहाँ भी होगा, एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ 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 सब जगह, लेकिन 11 से 1 के बीच में केवल एक ही बार होता है, यहाँ पर 2 बार नहीं होता। अगर 11 से 1 की बात देखो, जैसे क्या कि 11 और 12 के बीच में संपाति कब बनता, राइट 12 बजे, और 12 और 1 के बीच में कब बनता, 12 बजे। ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों के बीच में भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर घंटे में बनते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाती है, क्वेश्चन कहता है कि 12 घंटों में कितनी बार दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। दोनों सुइयों का मतलब घंटे और मिनट की सुइयां। तो 12 घंटे में देखो टोटल हो गए हमारे 12 घंटे,
तो हर घंटे में एक बार बनता है, हर घंटे में एक बार, हम कहेंगे प्रत्येक घंटे में एक बार, ठीक है। लेकिन 11 से 1 के बीच, 11 से 1 का समय कितने घंटे होगा, 2 घंटे होगा, तो 2 घंटे में 2 बनना चाहिए जब हर घंटे में एक बनता है तो, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहां पर हमारा 11 से 1 के बीच 2 घंटों में कितनी बार बनता है, केवल एक बार, ये बनता है केवल एक बार। तो इसलिए हम कहते हैं भाई जब हर घंटे में एक बार बन रहा है तो 12 घंटे, तो 12 घंटों में तो 12 बनने चाहिए, लेकिन 12 नहीं बनते क्योंकि एक यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने बनेंगे, तो 12 घंटों में हमारे जो बनेंगे वो टोटल 11 बार बनेंगे। जो मेन क्वेश्चन आता है एग्जाम में पूछने का कि 12 घंटों में कितनी बार दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, कितनी बार, 11 बार, ठीक है। अगला 24 घंटों में पूछेगा, 24 घंटों में पूछेगा तो इसका डबल कर देंगे क्योंकि 12 में 11 हो रहा है, तो 24 में कितना हो जाएगा, 22 बार, ठीक है। बस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है संपाति में हमारा वो यही है कि 12 घंटों में कितनी बार दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी और 24 घंटों में कितनी बार बनाएंगी, तो 12 घंटों में 11 बार और 24 घंटों में 22 बार, ठीक है। अब इसका और जो क्वेश्चन आता है वो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा संपाति का ही, 3 तथा 4 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां संपाति होंगी, मतलब 3 बजे और 4 बजे के बीच, यहां पर मैंने भी बताया था ना हर घंटे में एक बार संपाति होता है, तो यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पर होगा तो कितने बजे होगा, कभी कभी उसमें टाइमिंग भी पूछता है हमारा। तो क्वेश्चन है 3 तथा 4 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां संपाति होंगी। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 8 तथा 9 बजे के बीच, ठीक है। जब भी कितने बजे, जब बात करेगा ना कितने बजे, तो वहां पर जब भी घंटे देगा ये आसपास के देगा, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल सा, कि अगर संपाति निकालना है, संपाति निकालना है तो इसके लिए बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला होता है हमारा, 60 बटे 11 गुणा एच, बस इस फॉर्मूले को तुम्हें ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले से तुम्हें संपाति निकला है, ठीक है। देखते हैं, तो फॉर्मूले में हमारा कुछ भी नहीं है, 60 है बटे 11 है गुणा एच। अब एच क्या होता है, तो एच का ध्यान रखना, एच हमेशा होता है पहले वाला, जैसे 3 से 4 में 3, 5 से 6 में 5, 8 से 9 में 8, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं देगा 4 बजे तथा 3 बजे के बीच, नहीं, छोटा वाला समय पहले देगा, बड़ा वाला बाद में दे देगा, ठीक है। मतलब पहले वाला समय पहले देगा, बाद वाला बाद में देगा। तो 3 तथा 4 में हमारा एच का मान क्या हो जाएगा, 3, यहाँ 3 रखेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, 6 से 18, 180 बटे 11, 11 से अगर हम भाग करेंगे तो ये बनेगा देखो कितना, 11 एकम 11, बचा कितना यहाँ से हमारा 7, 11 छीन 66, बचा कितना 4, बचा 4 और बटे हमारा किससे भाग कर रहे थे, 11 से, बस इतना सा करना है। और इसको हम उसी एच में जोड़ भी देंगे, तो हम कहेंगे 3:16 = 4/11 मिनट, बस ये है हमारा आंसर, इतना सा करना है, 60 बटे 11 गुणा एच, एच का मान हमेशा पहले वाला, कैलकुलेट करना है और उसी में हमने जोड़ कर लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, एच का मान क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं, तो भाई अगला हमारा देखो, उसने पूछा क्या हमसे कितने बजे, क्या संपाति दोनों भाई 0 डिग्री कह दे या संपाति कह दे या आपस में मिलना कह दे, बात एक ही है। तो 60 बटे 11 गुणा एच, और एच का मान क्या होगा हमारा, 8, 8 छीन 48, 480 और बटे 11, 11 से भाग करेंगे, 11 चौका 44, बचा कितना यहाँ से हमारा 4, 11 तिया 33, बचा कितना 7, 7 बचा और बटे हम ऐसे लिख देंगे 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 8:43:07 मिनट।
ये हमारा आंसर। ध्यान रखना इस फॉर्मूले को हमें कब लगाना है, चाहे वो कोई सा भी समय दे दे तुम्हें और तुमसे संपाति पूछ ले कि भाई कितने बजे संपाति होगा या कितने बजे दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, तो ये फॉर्मूला लगा, ठीक है। एक चीज और, कभी भी अगर तुम्हें यहाँ पर टाइमिंग, यहाँ पर का टाइमिंग 11 बजे तथा 12 बजे के बीच की बात करेगा, 11 बजे तथा 12 बजे के बीच, तो 11 बजे और 12 बजे के बीच की जब बात करेगा तो यहाँ पर तुम्हें फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ सीधा सीधा आंसर कर देना राइट 12 बजे, क्योंकि हमें पता राइट 12 बजे संपाति बनता है। अगर वो तुमसे पूछता है कि 12 बजे तथा 1 बजे के बीच, तो भी तुम्हारा आंसर राइट 12 बजे। कहने का मतलब 11 से 12 में पूछेगा तब भी 12 बजे, और 12 से 11 में पूछे, 12 से 1 में पूछेगा तब भी 12 बजे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे संपाति के थे, ठीक है। चलो, तो इस वीडियो में हमने दो पॉइंट करे हैं, और दो पॉइंट हमारे क्या थे, पहला कितने डिग्री का कोण बनता है, दूसरा कितने बजे संपाति बनता है, ठीक है। अब हमारा इस चैप्टर में दो पॉइंट और हैं, विपरीत, विपरीत का नाम होता है 180 डिग्री एक सीध में, एक होता है समकोण 90 डिग्री लंबवत। ये हमारे दो पॉइंट रह गए हैं, और ये दो पॉइंट हम अब आप अगली वीडियो में पार्ट टू में देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, दो पॉइंट है, इसे अच्छे से करना, सही से समझना, ठीक है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं पार्ट टू में, ये हमारा पार्ट वन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। धन्यवाद।